तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो जो है बजीज के ऊपर होने वाला। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, बजीज की जो है हम आज वीडियो बनाने वाले हैं, और आपको पता है कि कुछ पेयर के बजीज के हमने लेकर के आए हुए हैं। तो आज उन्हीं सबको जो है मैं सेपरेट ब्रीडिंग लगाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पहला प्लान था कॉलोनी में लगाने का, बट पिछले साल मैंने कॉलोनी में जो है ब्रीड लेने की कोशिश की है, बट सक्सेसफुली ब्रीड मुझे नहीं मिल पाई थी, और बहुत जल्दी जो है बच्चे वगैरह एक्सपायर भी हो गए थे। तो इस बार मैंने प्लान किया है कि मैं जो है सेपरेट ब्रीडिंग लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसके पिछले साल मैंने एक पेयर सिंगल केज में ब्रीडिंग ली थी और काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट रहा था। पेयर ने काफ़ी अच्छे से फीड वगैरह भी कराया था, बच्चों का डेड होने का रेशियो भी बहुत कम था। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, अभी कुछ पेयर्स को मैंने सेपरेट कर दिया। यहाँ पे कुछ पेयर्स अभी बचे हुए हैं जो कि मेल एक्स्ट्रा, इनके लिए फ़ीमेल चाहिए, अगर किसी भाई के पास हो तो प्लीज़ बताएंगे। बाकी एक पेयर यहाँ पे मैं स्टार्टिंग करता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने पाइड का पेयर लगा रखा है, एक वाइट ब्लू पाइड में है और एक क्रीम पाइड में है। तो एक पेयर यहाँ पे लगा रखा है सेपरेट, और बाकी सामने जो पोर्शन वाले केजेस हमारे थे, एक दो तीन, तीनों जगह मैंने लगा रखा है। यहाँ पे मैंने पूरा पाइड का पेयर लगाया है, मेल अपने घर का है, फीमेल बाहर से ली है। और सेम यहाँ चीज़ है, ये भी एक घर का ही पट्ठा है, एक लोगों के यहाँ घर पे निकला था तो वो मैंने ले लिया था। तो लगभग इसकी एज भी 8 महीने के आसपास है, तो इसके साथ मैंने क्रीम की फ़ीमेल दे दी है। और यहाँ पर मैंने अल्बाइनो की फ़ीमेल दी है और पाइड का मेल दिया है, काफ़ी अच्छा जो है साइज वगैरह है मेल का। तो अभी इनको क्या करने वाला हूँ, मैं सेपरेट सेपरेट पूरे सीजन ब्रीड लेने वाला हूँ। और अगर किसी भाई को भी बजीज की ब्रीडिंग लेना सीखना है, सिंगल जोड़े से कैसे ब्रीड ले सकते हैं, अगर ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए और फुल वीडियो चाहिए, और आप भी एक बजीज के अच्छे ब्रीडर बनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे सिंगल सिंगल केजेस के ही रिलेटेड बजीज की वीडियो आने वाली है, तो आपको ज़रूर नॉलेज मिलेगी और आप भी अपने घर पे अंडे बच्चे करा पाओगे। तो अभी क्या करने वाला हूँ, इनको मैं सेपरेट कर दिया है, अभी थोड़ा सा इनको एक दो दिन ऐसे ही रखूँगा, उसके बाद इनको मटकियाँ वगैरह देना मैं शुरू कर दूँगा, क्योंकि मैंने अपने सारे पेयर्स को मटकी बॉक्सेस वगैरह प्रोवाइड कर रखा है। तो इनको भी जल्दी से दे दूँगा, क्योंकि मेरा ब्रीडिंग सीजन इन हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी, अगर आप लोगों के यहाँ भी एडल्ट पेयर हैं, तो आप भी जो है ब्रीड ले सकते हो, मटकियाँ बॉक्सेस वगैरह दे सकते हो। तो अभी चलिए, आज की वीडियो में यही था, मैंने कहा छोटी सी अपडेट की है तो आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँ। तो यही थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।